कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में पिछले एक माह से अधिक समय से धरने पर बैठे किसानों की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन किसान भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार काला कानून वापस नहीं लेती तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं है। दिल्ली से वापस आए उत्तराखंड के किसान जगदीश सिंह ने बताया कि देश का किसान परेशान है और धरने पर उनकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है, जबकि धरने के दौरान कई किसानों की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं और इसे आगे 26 जनवरी को एक विशाल रैली किसान निकालेंगे और सरकार पर कृषि कानून को वापस लेने का दबाव बनाएंगे। दिल्ली में बहुत परेशान है किसान और इतनी ठंड है वहाँ। आज 41 दिन हो गए किसान अपने धरने पर बैठे हुए हैं। मोदी जी के दिमाग में ये बात फंस नहीं रही है कि किसान ठंड में वहाँ ख़त्म हो रहे हैं। 60-70 लोग वहाँ ख़त्म हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। अभी तक उन मोदी जी तारीख पर तारीख ले रहे हैं और अब किसानों ने कहा कि अगर मोदी जी का फैसला नहीं हुआ तो 26 तारीख को लाल किले झंडा चढ़ाएंगे वहाँ। पर किसानों के मैटर ऐसा है कि 3 काले कानून जो बना रखे हैं उसके खिलाफ किसान बैठे हुए हैं। किसान जब मना कर रहे हैं कि कानून ये गलत हैं तो मोदी जी क्यों उन किसानों के ऊपर ये कानून फेंक रहे हैं? जब किसान नहीं इस चीज़ को मान रहे हैं तो उन्हें क्या ज़रूरत है किसानों के इस कानून को करने की?